अगर ये यू नो अगर मीडिया क्रेडिबली हॉरर जॉनर को के क्वेश्चंस को पुट अप नहीं करेंगी तब तक हॉरर जॉनर को क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर राज जैसी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी 10 साल पहले और राज 3 अगर 94 क्रोर्स कमा सकती है तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस जॉनर को. बिकॉज दैट मीन्स दैट योर मास्टर्स एंड क्लासेस आर वॉचिंग दिस फिल्म. सो हमारी जो ये एज ओल्ड फिलोसफी है चुड़ैल एंड भूत प्रेत इट्स गोइंग अ लिटिल मोर लॉजिकल नाउ. यू नो द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी आर ट्राइंग टू शो दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल कोर एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमन ड्रामा एंड देन वी मैरी इट टू द सुपरनैचुरल स्पेस एंड देन वी क्रिएट फियर. So there's much more than, you know, the so-called words like Chudail and how you are trying to project the films as. देखिए worldwide horror genre is the most watchable genre. ये अलग बात है कि हमारी Bollywood में बहुत कम credible horror films बनी है. But मैं तो actually I can count them on my fingers in the recent times. I would say Raaz, Raaz 3, Bhoot and now I would say Atma. But besides that, you know, the thing is that people are, and I've also seen the trailer of another new film that's going to come out. It's a film on zombies. So everyone is trying to make an effort to make horror films very credible and A-list. Well, Atma jaisi film banane ka pata nahi, but बेसिकली मैं एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता था जो बहुत दिल के आपको छुए. पहली बात तो बिकॉज यूजुअली आप हॉन्टेड प्लेसेस में बनाते हो या ऐसी जगह बनाते हो जहाँ वापस बोलूँ आत्मा की शुरुआत तब भी जब मैं एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाना चाहता था जिसमें आप एक हॉन्टेड हाउस या एक भयानक चेहरे को लेकर फिल्म ना बनाओ बट एक ऐसी फिल्म बनाओ जो आपको दिल को छुए और एक यू नो लाइफ की रियलिटी के बारे में बात करे. एंड आत्मा का जो शुरुआत है बेसिकली इज़ अ वेरी रियल सिचुएशन की एक शादी है दो लोगों की जो मतलब बिखरी हुई है और बीच में बच्चा फंसा हुआ है और इस सिचुएशन को आप देखिए अगर एक सुपरनैचुरल जोन में डाल दो तो सारी की सारी चीज़ बदल जाती है. नहीं दोनों फिल्में बिल्कुल अलग हैं और जो ये 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 वाली फिल्म करने का आत्मा फिल्म करने का मेरा सबसे बड़ी खूबी सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि एक तो क्या है कि जैसे सुपर ने भी बताया कि अब तक आप एक अजीब सा भूत और एक अजीब सी जगह पर ले जाके डराने वाली चीज़ें होती हैं फिल्म में. इस फिल्म में लाइक जैसे एक इमोशनल ट्रायंगल है और उसके साथ साथ जो डे टू डे लाइफ जो रेगुलर लाइफ होती है उससे अलग हट के अचानक से कुछ आपकी लाइफ में होता है वो ज़्यादा स्कैरी होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरर और ये वो सब. ऑफकोर्स हॉरर है और लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें इमोशनल ट्रायंगल है उसका जो ब्लेंड किया है सुपर ने वो अमेजिंग है. वो मेरे ख्याल से वो जिसकी वजह से मुझे लगा माय गॉड ये फिल्म मुझे ऑफकोर्स करनी चाहिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ उस चीज़ से.